साथ ही ऐसा बैकबेंड का अभ्यास है जिसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आपका नहीं पड़ेगा। पंद्रासन का अभ्यास किस प्रकार करना है, दोनों पैरों को मोड़कर अपनी थाई के पास रख लीजिए, घुटनों को मोड़िए और जमीन में रखिए, आराम से जमीन में आपको रखना है। अब क्या करना है, धीरे से आपको अपनी हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है, तो यानी कि आपके कमर थोड़ा सा पीछे रहेंगे हाथ दबे हुए कमर के पीछे, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप थोड़ा पैरों को पास और खोल के रखिए, कंधों पे खिंचाव आएगा। होल्ड करने का प्रयास, जिनके हाथ जमीन से ऊपर उठेंगे उन्हें दबाने की कोशिश करनी है, हाथ जमीन से लगे हुए रहें 7 सेकेंड, आरामदायक स्थिति में रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुक्त सभी सरकार द्वारा जनहित में जारी। लंबा गहरा सांस लेते हुए करीब काम ऊर्जा को महसूस करें, दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए स्वयं को अगले अभ्यासों के लिए तैयार करेंगे। कंधा पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलते हुए प्रारंभिक अभ्यास हम करेंगे खड़े होकर। सर्वप्रथम संचालन क्रियाएं होंगी ग्रीवा संचालन, यदि आप सहज हैं तो ठीक है, अन्यथा दोनों पैरों का हल्का गैप कर सकते हैं। सामने आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाया जाएगा, भावना से अनुरोध करते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रख लें और धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए नेक का आगे और पीछे की ओर मूवमेंट करना है। ध्यान रहे जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आगे ना झुके, सहजतापूर्वक करें, बहुत झटके से नहीं करना है। जो भी योग अभ्यास आप करेंगे अपनी क्षमता अनुसार ही करें। 3 बार दोहराएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे सहजतापूर्वक पीछे की ओर गर्दन को हल्का हल्का खिंचाव दें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। और ना तीसरी बार अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, लंबा गहरा सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को पुनः आगे की ओर लेकर आएं, टुब्बी को छाती के साथ लगाने का प्रयास और करेंगे, और पुनः सांस छोड़ते हुए दाई ओर, आपका एक चक्र हुआ, लेफ्ट राइट आपको लेकर जाना है। फिर से वापस आएंगे, सांस भरते हुए दूसरा राउंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड पूरा खिंचाव दें, कंधे के बराबर धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः बीच में लाएं, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर दूसरा चक्र पूरा करें, सांस भरते हुए पुनः बीच में आएं और सांस छोड़ते हुए तीसरा चक्र प्रारंभ करें। कान को कंधे से लगाने का प्रयास, पुनः सांस भरते हुए बीच में लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए दाई ओर तीसरा चक्र पूरा करेंगे। और तत्पश्चात सामान्य स्थिति में आए, गर्दन सामान्य स्थिति में। अब यहीं से आपको दाएं बाएं ओर देखना है, श्वास प्रश्वास की क्रिया यही रहेगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे बाई ओर देखना है, पूरा बाई ओर आपकी चुप्पी आपके कंधे के समानांतर आ जाए,
श्वास भरते हुए बीच में सामने की ओर देखेंगे। पुनः दूसरा चक्र, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर देखें जितना संभव हो सके, श्वास भरते हुए सामने की ओर, पुनः श्वास छोड़ते हुए यहीं से आए। और इसी के साथ अगला चक्र, सहजतापूर्वक करेंगे गर्दन का अभ्यास। यहीं से आपको अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है, नेक रोटेशन बनाएंगे। श्वास भरते हुए बाईं से दाईं ओर देखेंगे, पीछे की ओर देखते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। जब गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, गोल गोल घुमाते हुए श्वास भरते हुए आगे की ओर आते हुए श्वास छोड़ें। तीसरा चक्र पूरा करें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अब यहीं से एंटीदम पैरों से ऊपर की ओर खिंचाव, विशेष रूप से दोनों कंधों पर। हथेलियां आपकी आमने सामने रहेंगी, जिन्हें किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो सामने डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे और होल्ड करेंगे। सांस आपको नहीं रोकनी है, सामान्य सांस प्रश्वास के साथ पूरा खिंचाव, कम से कम 5 सेकेंड हर स्थिति में रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5 सांस छोड़ते हुए सहजतापूर्वक वापस आएँ, हाथों को ढीला करते जाएं, इसी प्रकार आगे की ओर से ले जाते हुए। इसी के साथ दूसरी बार अभ्यास करेंगे, अंतिम बार पुनः दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेकर आए, लंबा गहरा सांस भरें, अंतिम स्थिति में हाथ ऊपर की ओर और सांस छोड़ें, सामान्य सांस पर श्वास। हथेलियां आमने सामने, अधिकतम खिंचाव, जिनसे संभव हो सकता है अपने कंधों से कानों को ढक लें। 5 सेकेंड रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, आगे की ओर लेकर जाएं, हाथों को ढीला छोड़ दें, कंधे बिल्कुल ढीले। अगला अभ्यास स्तन चक्रा का, सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आए कोहनियों से। चक्र आपको बनाना है 4 बार, 4 to 5 राउंड करेंगे शोल्डर रोटेशन। पुनः सांस भरते हुए ऊपर से आगे से पीछे की ओर लगातार 4 से 5 चक्र पूरा करेंगे। और यहीं से एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में पीछे से आगे की ओर लेकर जाएं, 4 से 5 राउंड पूरा करें। पीछे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो आपको सांस भरना है इस प्रकार से, पीछे से ऊपर की ओर सांस भरते हुए और आगे की ओर सांस छोड़ते हुए अंतिम अभ्यास करेंगे, अंतिम चक्र। और धीरे से अपने हाथों को खोल लें। जैसे अगला अभ्यास बैलेंसिंग का, संतुलनात्मक अभ्यास, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे।
जिन्हें संतुलन बनाने में कठिनाई होगी वो दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप कर सकते हैं, जिन्हें कठिनाई होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार आप गए थे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, आगे से फैलाते हुए दोनों हथेलियों को, दोनों उंगलियों को आपस में इस प्रकार जकड़ लें, इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते हुए हथेलियों को आसमान की ओर पलट लें सामने देखते हुए। अब आपको यहीं से अपनी एड़ियों को धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाना है, पूरा शरीर आपका खींचा हुआ रहेगा, एड़ियां जमीन से उठी हुई, केवल अपने पंजों के बल खड़े और सामने किसी एक निश्चित बिंदु पर आपको अपनी एकाग्रता रखनी है, कम से कम 5 से 7 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत अच्छा, धीरे से सांस छोड़ते हुए पुनः एड़ियों को वापस लेकर आए और यहीं से दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें, हथेलियों को पलटते। एक और बार अभ्यास करेंगे हम इसी का। पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आसमान की ओर पलट लें, शरीर पे खिंचाव दें और अंतिम स्थिति में आपकी एड़ी उठी हुई, केवल पंजों पर आपको अपना बैलेंस बनाना है। कोशिश करेंगे 10 सेकंड होल्ड करने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से एड़ियां वापस लेकर आएं और धीरे से हथेलियों को पलटते हुए हाथों को खोलकर वापस लेकर आएं। अगला अभ्यास करेंगे यहीं से, अगला संतुलनात्मक अभ्यास वृक्षासन का। जिन्हें एक पैर से संतुलन बनाने में कठिनाई होती है वो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि आप इधर अपने पैर पर इस प्रकार से अपने पैर के तलवे को टच करें, क्योंकि सामने देखेंगे। यदि कठिनाई हो रही हो तो आप बहुत सावधानी पूर्वक करें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़ते हुए शरीर को खींच कर रखेंगे, सामने देखेंगे। वृक्षासन लगभग 5 सेकंड अभी आप प्रारंभिक स्थिति में रुकेंगे। 1, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र करें ताकि अच्छा संतुलन बन सके। 2, डीप ब्रीथ। 3, 4, 5, धीरे से वापस आएंगे। पहले हाथों को लेकर आएं और पुनः अपने पैर को वापस लेकर आएं। यही अभ्यास अब हम राइट पैर से करेंगे। आपको अपने राइट लेग पर, अपने दाएं पैर पर संतुलन बनाना है। लेफ्ट लेग को अब अपने राइट थाई पर या फिर नी के पास फिक्स कर लीजिए। जब संतुलन बने तभी आप अपने हाथों को उठाइए। पहले सामने अपनी दृष्टि किसी एक निश्चित बिंदु पर रखिए, सांस भरिए और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में सिर के ऊपर पूरा मिलाएंगे, शरीर खींचा हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे से दोनों हाथों को वापस लेकर आएं और यहीं से पैर वापस लेकर आएंगे। हल्का से रिलैक्सेशन पोजीशन में ही रहें, इसी प्रकार शरीर ढीला रखते हुए। अगला जो अभ्यास करेंगे पादहस्तासन का है, आगे झुककर किया जाने वाला अभ्यास है। जिनकी कमर में दर्द रहता है वे लोग इस अभ्यास को ना करें, और जो हल्का फुल्का अभ्यास करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वे हल्का फुल्का कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना खींचें, क्योंकि अभी आपके किसी प्रकार का वार्मअप भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा खिंचाव आप नहीं देंगे। जिन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन, साइटिका की परेशानी है, वो आगे की ओर ना झुके, वो अवॉइड कर सकते हैं। उनको पैरों पर स्पर्श कराना है ताकि आपके पूरे हाथ जो है आगे की ओर जाते हुए आपके पैरों पर लग सके, सांस छोड़ते हुए जाए, सांस छोड़ते हुए जितना संभव हो सके। बहुत ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं वो अपने घुटनों को ही पकड़ लें, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं पर अंतिम स्थिति में रुक जाएं। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करें, कम से कम 5 से 7 सेकंड। श्वास भरिए, दोनों हाथों को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक झुकिए जितना संभव हो सके, घुटने आपके नहीं मुड़ेंगे। अंतिम स्थिति में जाकर होल्ड करेंगे फिर से 5 से 10 सेकंड। यहाँ से काउंटिंग की जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सहजतापूर्वक सांस, अच्छा अभ्यास है, बैक पेन के लिए अच्छा है, परंतु आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव ना दें। उसके लिए एक बार सामने देखने किस प्रकार करना है, आपका पोस्चर क्लियर हो जाए। जिन्हें पीछे झुकने में दिक्कत होती हो वो हल्का सा अपने पैरों को खोल सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस प्रकार रखें कि अंतिम स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाएं, घुटने आपके सीधे रहें और अंतिम स्थिति में आपकी गर्दन पीछे की ओर रहेगी जितना संभव हो सकता है। बहुत ज़्यादा अभ्यास ना करें, होल्ड करेंगे यहीं पर 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए उसी प्रकार वापस आएंगे। एक और बार अभ्यास करेंगे हम इसका। चलिए
फिर से कमर को टाइट कीजिए, पूरा पेट को हल्का बाहर की ओर, पैरों को आगे की ओर खींचते हुए कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं, कंधों को पीछे की ओर, गर्दन आपकी खींची हुई। पुनः 7 सेकेंड इसी स्थिति में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4 लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। 5, 6, 7 धीरे से वापस आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। वो ठीक अपने कंधे के समानांतर फैलाएं, कंधे के बराबर आपको उठाना है। हथेलियों को आगे की ओर कर लीजिए, हथेलियाँ आपकी सामने की ओर रहेंगी, तो आपकी पाम फेसिंग है, फ्रंट साइड रहेगी। यहीं से श्वास छोड़ते हुए आपको अपने लेफ्ट फिंगर से लेफ्ट टो को टच करना है, यानी कि आपको बाईं ओर जाना है श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और आपका बाएं पैर पे खिंचाव आएगा कमर पे, और कोशिश करनी है यदि आप टच नहीं कर पा रहे, स्पर्श नहीं कर पा रहे, तो घुटने को पैर को पकड़ लें अंतिम स्थिति में, और यहीं से पैर पर पूरा खिंचाव, ऊपर वाला हाथ आसमान की ओर और ऊपर वाले हाथ को फाइनल स्थिति में ऊपर देखें, गर्दन ऊपर की ओर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे ताकि आपकी चेस्ट पूरी एक्सपेंड हो सके। 5 सेकेंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से गर्दन सामने रहेगी ताकि आप वापस आ सकें, सांस भरते हुए वापस आएं, हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं नीचे की ओर। अब अपने पंजे को फिर से सामान्य स्थिति में, अब यहीं से राइट पंजा आपका बाहर की ओर, राइट साइड को दोनों हाथों को फैलाएं कंधे के बराबर, हथेलियां बाहर की ओर कर लें ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें, राइट पाम से राइट टो को, उंगलियों से पंजे को पकड़ने का प्रयास, यदि संभव नहीं होता अंतिम स्थिति में पैर को पकड़ लें ताकि सपोर्ट रहे, चेस्ट आउट करते हुए गर्दन ऊपर की ओर फाइनल स्थिति में, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, थोड़ा सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5 पुनः धीरे धीरे गर्दन वापस लेकर आएं, ऊपर की ओर सांस भरते हुए हथेलियां पलट कर सामान्य स्थिति में, और यहीं से आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पैरों को आगे की ओर फैला लें, हल्का सा विश्राम की स्थिति में। अगला अभ्यास हम करेंगे पृथ्वी आसन का, ताकि हम भद्रासन का अभ्यास कर सकें। देखिए आपको किस प्रकार करना है, मैं जब उस पेशेंट से निवेदन करती हूँ सामने की ओर फेस कर लीजिए, दोनों आपको अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाना है पृथ्वी आसन के लिए। संभव हो सके तो पैरों के पंजों को पकड़ें, जितना अधिकतम आप अपने दोनों जंघाओं के पास लेकर आ सकते हैं, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार लेकर आ सकते हैं। जिन्हों को अधिकतम डाउन मूवमेंट करें, पंजे को पकड़ कर रखें अन्यथा, और यहीं से अपने पैरों का संचालन ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर हल्का हल्का स्ट्रेच करते हैं। हम ये अभ्यास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अंतिम स्थिति भद्रासन में जा सकें। थोड़ा सा तेजी के साथ, गति के साथ करेंगे अप डाउन, कोशिश करेंगे पैरों को पटकते हुए आपकी जंघाएं जमीन से लगे, ऐसा हमें निरंतर प्रयास करना है, जितना संभव हो सके ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। यहीं से प्रोटोकॉल के अनुसार अगला अभ्यास है आपका भद्रासन का। दोनों पंजों को पकड़ लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए, जैसा पृथ्वी आसन के लिए अभी आपकी स्थिति थी। अब आपके पैर स्थित हो जाएंगे, कोशिश करें दोनों घुटनों को जितना आप संभव है जमीन करें, सहजतापूर्वक श्वास प्रश्वास, और 5 से 7 सेकेंड इसी स्थिति में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धीरे से आँखें खोल लें, तेज से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, हाथों को छोड़ते हुए रिलीज करते हुए रिलैक्स करें। संभव हो सके तो आप कभी कीजिए हल्का फुल्का भी, अगर घुटने में दर्द है तो दर्द बढ़ सकता है क्योंकि घुटने पर हल्का प्रेशर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। दोनों पैरों को आपको इस प्रकार मोड़ना है कि अपनी एड़ी के ऊपर आपको बैठना है, घुटनों में अधिकतम खिंचाव और नी आपका स्ट्रेच भी होता है, तो भविष्य में अगर आप अभ्यास करते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आपको वज्रासन में बैठना है, और जिन्हें साइटिका का पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आप इसमें बैठ सकते हैं, खाना खाने के बाद उसका अभ्यास कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो लगभग आंखें बंद करते हुए 5 से 7 सेकेंड आप इसी स्थिति में बैठेंगे, आंखें आपकी बंद और दोनों हाथ आपकी घुटनों के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। 1, 2, 3, 4, 5 अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें,
और यहीं से घुटनों के बल खड़े हो जाएं यदि संभव हो सके। जिन्हें नी पेन की प्रॉब्लम है वे अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास आपका इसी में ही बैक बेंडिंग का है। अर्धउष्ट्रासन या उष्ट्रासन का अभ्यास, दोनों ही पोजीशन हम आपको दिखाएंगे जिन्हें बैलेंस बनाने में, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपने दोनों घुटनों के बीच में हल्का गैप रखिएगा ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो प्रारंभिक स्थिति जो है, आपको अपने हाथों को कमर पर फिक्स करना है या पीछे की ओर रख लेना है। ऐसे पीछे भी रख सकते हैं, ऐसे फिक्स भी आप कर सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको अपनी थाई टाइट रखनी है और कमर को पीछे की ओर लेकर जाना है। जहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है लंबर रीजन के पास, उसे आगे की ओर प्रेशर दीजिए जितना अधिकतम आप बैक बेंड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आएंगे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। आप जो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं डेमोंस्ट्रेशन से कहती हूँ। आप दूसरा भी अभ्यास दिखाते हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपनी एड़ी के ऊपर रखेंगे इस प्रकार। पहले आपको इस प्रकार रखना है एड़ी के ऊपर, और दूसरा दायां हाथ दाएं, लेफ्ट। और जिनसे यह संभव नहीं है वे अपनी प्रारंभिक स्थिति ही रखेंगे, कमर पर हाथ रखते हुए हल्का सा झुकेंगे और सभी अंतिम स्थिति में होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आए, कमर वापस, और यहीं से शशांक आसन में आएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को फैलाएं, वापस आएंगे, पैरों को खोल कर सामने की ओर करा लेंगे, वज्रासन रिलीज करेंगे। अगला अभ्यास है वक्रासन का, ट्विस्टिंग का है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कमर के पीछे रखें और पूरा ट्विस्ट करें, पीछे बाई ओर देखें, लेफ्ट साइड को पीछे देखें जितना संभव हो सके। शुरुआत में पोस्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो सके करें। कंफ्यूजन है तो सामने डेमोंस्ट्रेशन आप एक बार देखेंगे। हम केवल अभी इसका अभ्यास करेंगे, स्थिति देखेंगे और वापस आएंगे। वापस कैसे आना है, धीरे से गर्दन सामने लेकर जानी है, हाथों को रिलीज करना है और फिर पैर आपको सीधा करना है। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को मोड़ लीजिए लेफ्ट लेग के पास, और अपना लेफ्ट हाथ को क्रॉस में लेकर जाना है, क्रॉस में जितना संभव हो सकता है। हो सकता है आप अपनी काफ मसल्स तक ही लेके जा सके, तो अपने घुटने के हिस्से को या काफ वाले हिस्से को पकड़ लेंगे या एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे, जितना हो सकता है वहीं पर। पीछे वाले हाथ से अपनी कमर को थोड़ा सीधा रखें, गर्दन पूरा पीछे की ओर। पोस्चर आप एक बार देखेंगे। वापस कैसे आना है, धीरे से गर्दन सामने लाते हुए, हाथों को रिलीज करते हुए पैरों को रिलीज करेंगे, गिरते हुए जितना संभव हो सकता है पंजे के पास लेकर आए। पीछे वाले हाथ से कमर को सीधा करते हुए राइट साइड को प्रॉपर ट्विस्टिंग, पीछे की ओर देखेंगे राइट साइड से। 5 सेकेंड होल्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास भरें, गर्दन सामने की ओर, दोनों हाथों को रिलीज ऊपर रहेगा। पीछे पैर देखिए किस प्रकार खुले हुए हैं, पैरों में निश्चित दूरी रहेगी, लगभग कंधों के बराबर आपको फैलाना है, और आपके पैर के पंजे जो टोज पॉइंटिंग है वो बाहर की तरफ रहेगी ताकि आपके पैर की मसल्स रिलैक्स हो सके। टोज पॉइंटिंग आपकी बाहर की ओर, रिलैक्स करेंगे कुछ देर मकर आसन में। रिलैक्स, बैक रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आंखें बंद करते हुए शरीर बिल्कुल ढीला रहेगा, क्योंकि जो अगला अभ्यास है पेट के बल किए जाने वाले अभ्यासों में भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। यह उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भुजंगासन का, कमर को लचीला बनाने के लिए, और काफ़ी आपका जो है सपोर्टिव प्रैक्टिस होती है बैक बेंड के लिए। तो आप लोग मकर आसन में ही रहेंगे, बस आप अपने छुट्टी लगा कर रखेंगे, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1, पूरा ऊपर नहीं उठाना है, केवल जितना उठाना है केवल हल्का उठा कर रखना है। 2, 3 कि आप अपने पैर के अंगूठे देख सकें। 4, 5 धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, पैरों को पुनः ढीला छोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा रोक कर रखना है और अपने गर्दन को उठाकर कोशिश करनी है घुटनों के पास लाने की, यानी माथे और नोज को फाइनल स्थिति में हम टच करते हैं जितना संभव हो सके। हो सकता है कई नहीं कर पाए और कई लोग अभ्यासी हैं तो कर सकते हैं। जितनी देर सांस रोकेंगे उतनी देर आप इसको होल्ड करते हैं। तो मैं 3 काउंट करती हूँ। 1, 2, 3। एक्सहेल करते हुए सिर वापस जमीन पर और सांस भर लें। फिर से घुटनों में किसी प्रकार का दबाव नहीं, जंघाएं बिल्कुल रिलैक्स,
पूरे पैरों की मांसपेशियां नितंब तक, हिप मसल तक बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल, ढीली। हल्का सा क्षण भर के लिए होल्ड करेंगे ब्रीथ और फिर उसके बाद लेफ्ट से एक्सेल। या आप प्रिपेयर हो चुके हैं अभ्यास के लिए, इसी प्रकार आप 2 से 3 बार और इसी राउंड को दोहराएंगे। ध्यान दें, लंबा गहरा शांत मन के साथ शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके लिए योग बहुत एक जरूरी अंग के रूप में हो जाता है, तो ये भी आशा रहती है कि योग को हम केवल 21 जून तक ही शामिल ना करें। 21 जून एक सिंबॉलिक के रूप में ही हम योग को ना मनाएं, अपितु उसको वर्ष भर अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि तो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो सके। और इसी क्रम में हमारे योग विभाग के द्वारा एक साप्ताहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साप्ताहिक योग कार्यक्रम की रूपरेखा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रकाश जोशी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आके सर कुछ 2 शब्द इसके बारे में कहें। धन्यवाद। धन्यवाद पुठारी जी। स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर आर सी मिश्र सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर पी डी पंत सर, यहाँ पर उपस्थित योग विभाग के हमारे समस्त प्राध्यापक कोचेज और यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आए हैं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन मोड पर पूरे भारत से अलग अलग विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का है तो अधिकतम विद्यार्थी पूरे भारत में रहता है, तो अलग अलग कोनों से भी विद्यार्थी ऑनलाइन मोड पर हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं समस्त लोगों का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा, जो आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी हुई है, वास्तव में मैंने इस पर विचार किया, कल मैंने समझा, तो वो जो थीम है, वो थीम का जो पॉइंट है वो है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसमें मैंने देखा, मैंने विचार किया, तो भारतीय संस्कृति के मूल में मानवता पर रची बसी हुई है, और जो मानवता है, मानवता के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं मानव बनने के, जिससे मनुष्य कहलाता है, या जो मानवता की जब हम अगर बात करते हैं, तो ये जो गुणधर्म हैं हमारे प्राचीनतम आस ग्रंथों में, हमारे वाङ्मय में, हमारे वैदिक ग्रंथों में, और साथ के साथ योग के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें मानवता कूट कूट कर भरी पड़ी है। हम आज योग को कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ षटकर्म के माध्यम से समझते हैं, उसी को योग मान लेते हैं। पर मैं थोड़ा सा आपको इशारा करूंगा, क्योंकि योग के कई विद्यार्थी इसमें हैं, ऑनलाइन मोड पर सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हम एक सूत्र, पतंजलि योग सूत्र को ही अगर हम ले लें, पतंजलि योग सूत्र पर ही अगर हम दृष्टिपात करें, तो हम यम और अगर नियमों की अगर हम बात करेंगे, 5 यम हैं और 5 नियम हैं, सबको पता है 5 यम कौन से हैं, 5 नियम कौन से हैं, उनके पालन से व्यक्ति मनुष्य बनता है। तो बहुत अच्छी थीम आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई हुई है। वैसे ही हमारे और ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, मानवता के लिए भगवद गीता रची गई है, मानवता की रक्षा के लिए भगवद गीता का भगवद गीता की रचना हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिए वो हम सब उससे परिचित ही हैं। राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है, और मैं अपनी ओर से और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जितने भी आगंतुक हैं और मेरे साथी हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से अपने वरिष्ठतम, विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम साथी आदरणीय प्रोफेसर आर सी मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित थे, मैं उनका अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं अभिनंदन करता हूँ आयुष, जो हमारा योग विभाग है, उसके संयोजक प्रोफेसर भानु जोशी, जो पिछले लगभग 1 हफ्ते से मुझे पता है इस पूरे प्रोग्राम में लगे, मेरे उनसे बातचीत होती रहती थी और हम देखते रहते हैं, मीडिया के थ्रू भी हमको पता लग ही जाता है, और हम अपने वेबसाइट के थ्रू भी देखते रहते हैं कि भानु जी लगातार 1 हफ्ते से इसमें शामिल हैं। और मैं उनके इस अथक प्रयास के लिए, उनकी पूरी टीम, उनके जितने भी साथी हैं ये लगातार लगे हैं, उनको विश्वविद्यालय की ओर से बड़े बधाई देता हूं और धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस जो भी पटल है योग का, उस पर हम सब लोगों को स्थापित किया है, और पूरे
जैसे उन्होंने कहा कि आभासी माध्यम से भी हमारे तमाम विद्यार्थी जो जुड़े हैं, कल मैं भी उनका जो एक वेबिनार था उसमें जुड़ा था, लगभग 150 के आसपास विद्यार्थी उसमें जुड़े थे, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम देश भर में जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उसमें से बड़ी संख्या में हमसे जुड़ रहे हैं। और विश्वविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, विशेषकर ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को मनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत लोग शामिल हुए थे। तो एक बार मैं फिर से उन सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर आज सुबह इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी सहभागिता की है। विद्यालय के कुलसचिव के रूप में कार्यरत मेरे सहयोगी प्रोफेसर पीडी पंत जी, जो कि विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक भी हैं, डॉक्टर भानु जोशी जी, प्रभारी योग विभाग, योग विभाग के समस्त शिक्षक, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, कार्मिक, अधिकारी और बाहर से यहाँ पर पधारे हुए हमारे तमाम अतिथि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, आभासीय माध्यम से हमारे बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको भी इसमें समाहित करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। अब जैसे इस बार की थीम है मानवता के लिए, वास्तव में योग मानवता ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए। आपने देखा होगा अभी हमें मरकटासन कराया गया था, मरकट से लिया गया है, बंदर से लिया गया है, भुजंगासन सर्प से लिया गया है, शशांकासन, न जाने कितने ऐसी योग की क्रियाएं हैं जो उनके शरीर के पॉस्चर से जुड़ी हुई हैं। तो केवल और ऐसा ही नहीं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का ये जो अभ्यास है, अंततः हमें प्राणी मात्र के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, सभी के प्रति जागरूक बनाता है, हमें अधिक सजग नागरिक के रूप में, अधिक सजग प्रहरी के रूप में सामने आता है। तो मानवता के लिए तो योग है ही है, मुझे तो लगता है पूरे कॉस्मॉस के लिए योग है, योग से पूरे कॉस्मॉस का सुधार होता है। मानव इस कॉस्मॉस की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मानव को बड़ा महत्वपूर्ण भी माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सभी मेरे प्रिय हैं, सब मेरे द्वारा उत्पन्न कराए गए हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इन सब में सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। कारण क्या है कि देव देह में वो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है जो मानव देह में। भारतीय शास्त्रों की मान्यता है कि देव देह भी होती है, प्रेत देह भी होती है और मानव देह होती है। मानव देह में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है और यही कारण है कि मानव को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में भगवान व्यास वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ये मैं सारे समाज को बता रहा हूं। बार बार इस बात को कहा गया है। गालिब साहब ने एक और फाइन डिस्टिंक्शन किया है, वो कहते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान। दो शब्दों में बड़ा फाइन डिस्टिंक्शन है, एक शब्द है आदमी, हम सब आदमी वाली परिभाषा में आते हैं, माने महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं मानव की परिभाषा में आते हैं, लेकिन अगला शब्द जो प्रयोग किया है उन्होंने, वह आदमी को भी मयसर नहीं इंसान, उस आदमी को भी इंसान बनना आसानी से सुलभ नहीं है। यानी आदमी से इंसान बनने की यात्रा एक लंबी यात्रा है, जिसमें जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इसको किया जाएगा, तब आदमी जो है वो इंसान बन पाता है या मानव बन पाता है। सही अर्थों में वही मानव है जो सबसे महत्वपूर्ण माना है। योग क्या है? अलग अलग प्रकार से योग के आचार्यों से पूछे तो बड़ी गंभीर परिभाषाएं दे देंगे,
योगश चित्तवृत्ति निरोधा, और समझने के लिए व्यक्ति को काफ़ी गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मैं आपको बिल्कुल बोलचाल की बात में इसको स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे बीच बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं उनके दृष्टिगत ये बात कह रहा हूँ। योग माने जोड़ना, सामान्य रूप से हम बचपन से जानते हैं टोटल करना, योग करना, यही योग है। और ये जो क्रियाएं हैं इनके माध्यम से हम अपने शरीर की सकल ऊर्जाओं को अधिक परिमार्जित करते हैं, अधिक परिष्कृत करते हैं, और उसके बाद ये सारी ऊर्जाएं सम्मिलित जब होती हैं वही योग है। जितनी भी ऊर्जाएं हमारे अंदर विद्यमान हैं, देखिए शरीर में इलेक्ट्रिक चक्र है, इन चक्रों का योग में ये लोग विवरण देते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार्ध तक। ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट्स हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है पूरे शरीर में। और जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी ये जो चक्र हैं वो ऊर्जास्वित हो जाते हैं, और ऊर्जास्वित चक्रों का जब समेकन होता है वही योग है। तो वास्तव में और काम करने की स्थिति भी वही है। भगवान गीता में कहते हैं योगस्थः कुरुकर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यावरणीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि मानवता के लिए योग, बात तो सही है, मानवता की बड़ी आवश्यकता हो गई है, आदमी बहुत मिल रहे हैं, इंसान नहीं मिल रहे हैं, लोगों में फीलिंग्स ही नहीं है, बात बात पर हिंसा के लिए तैयार हैं, आग लगा देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, न जाने कितना विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां हमारे समाज में काफ़ी लोगों में व्याप्त हैं। अगर योग के माध्यम से इस प्रकार के दुर्गुणों पर कुछ रोक लग सकेगी तो मुझे लगता है कि मानवता के लिए योग जैसा जो ये नारा दिया गया है वो वास्तव में सफल होगा। योग अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। मैं उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षा कार्मिक को भी मेरा प्रणाम, और यहाँ पर जो उपस्थित प्रतिभागी हैं उनको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम, और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारी प्रतियोगिता हुई थी, चार प्रतियोगिताएं हुई हैं हमारी, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, योगासन प्रतियोगिता और योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसमें पुरस्कार वितरण हेतु मैं विभागाध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूँ, और सभी हैं। सर्वप्रथम मैं उन प्रतिभागियों का मंच को बुलाना चाहूँगा जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। तो भावना के साथ आई है ना, तुझे भी धन्यवाद। और कोई बच्चा कोई छूटा तो नहीं, जिसे कुछ नहीं मिला वो सब मिल गया ना सबको। इधर देखिए, चलिए ठीक। और ये प्रतिभागी कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है इस जो प्रतियोगिता